हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपना परिवार स्टडी पॉइंट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को हम बीएससी एग्रीकल्चर का थर्ड सेम का प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक के अंतर्गत जो 5 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंस आते हैं एनालाइज करने पे जो क्वेश्चन हमें मिले हैं उन क्वेश्चनों पे हम विस्तृत जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो बताएंगे कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जितने भी डिफरेंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो उसके बारे में सभी डिफरेंस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला डिफरेंस है स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन क्या है। स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन, प्रेरित उत्परिवर्तन अब बताएं, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है स्वतः युवा उत्परिवर्तन जो स्वयं के द्वारा उत्परिवर्तन होता है उसे स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। प्रेरित किसी भी कृत्रिम विधि द्वारा जो उत्परिवर्तन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। या क्या होता है नंबर वन, इसके जो इसके अंदर लिखेंगे या प्रकृति में स्वतः मतलब स्वयं से होते हैं यह कृत्रिम विधि द्वारा परिवर्तन कृत्रिम विधि द्वारा उत्परिवर्तन होता है। तो द्वारा होता है क्या बताया, जो स्वतः उत्परिवर्तन होता है प्रकृति में स्वयं होता है, प्रेरित उत्परिवर्तन कृत्रिम विधि द्वारा होता है। नंबर टू, जो स्वतः उत्परिवर्तन होता है क्या होता है, धीरे धीरे होता है। जो क्या होता है, धीरे धीरे होता है, स्वतः उत्परिवर्तन धीरे धीरे होता है। प्रेरित उत्परिवर्तन तेज होता है होता है। जो स्वतः उत्परिवर्तन है इस पे क्या था, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्या बता, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दो नंबर में पूछा गया कि स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन में डिफरेंस बताए। तो बताते हैं, स्वतः उत्परिवर्तन होता है जो प्रकृति में स्वयं के द्वारा होता है, प्रेरित उत्परिवर्तन क्या कृत्रिम विधि द्वारा होता है। स्वतः उत्परिवर्तन जो होता है धीरे धीरे होता है, प्रेरित उत्परिवर्तन तेज तेज होता है। स्वतः परिवर्तन पर क्या होता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, प्रेरित उत्परिवर्तन पर कंट्रोल किया जा सकता है। जो स्वतः उत्परिवर्तन की दशा और दिशा का ज्ञान नहीं होता है, प्रेरित उत्परिवर्तन की दशा और दिशा का ज्ञान होता है। अब दूसरा डिफरेंस करवाएंगे जो प्लांट ब्रीडिंग के सब्जेक्ट के अंदर, कि पेडिग्री मेथड और बुल्क मेथड में क्या अंतर है। पेडिग्री मेथड और बुल्क मेथड, जो पेपर में इस तरीके से पूछा गया कि पेडिग्री मेथड और बुल्क मेथड में क्या डिफरेंस बताओ, तो बताएंगे पेडिग्री मेथड और बुल्क मेथड क्या होता है। पेडिग्री मेथड पेडिग्री मेथड में क्या होता है, समय कम लगता है। इसमें क्या होता है, समय बुल्क मेथड की अपेक्षा कम समय लगता है, इसमें अधिक समय लगता है क्या, अधिक समय
लगता है। क्या पहला क्वेश्चन क्योंकि पेडिग्री मेथड में बुल्क मेथड की अपेक्षा कम समय लगता है, बुल्क मेथड में पेडिग्री मेथड की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, पेडिग्री मेथड में धन अधिक लगता है, इसमें क्या था, धन अधिक लगता है, अधिक लगता है, अधिक लगता है, धन कम लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पेडिग्री मेथड में क्या होता है ये कठिन होता है, बुल्क मेथड सरल होता है, यह कठिन होता है, कठिन होता है या सरल होता है। आप लोगों को अभी तक हमने दो ही अंतर करवाया, एक तो स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होता है, दूसरा पेडिगरी मेथड और बुल्क मेथड की अपेक्षा में डिफरेंस बताया। तो पेडिग्री मेथड में कम समय लगता है, बुल्क मेथड में अधिक समय लगता है, पेडिग्री मेथड में धन अधिक लगता है और बुल्क मेथड में धन कम लगता है, पेडिग्री मेथड में कठिन होता है, बुल्क मेथड क्या होता है सरल होता है। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे कि ओपोस्पेरी और डिप्लोस्पेरी क्या होता है, ओपोस्पेरी और डिप्लोस्पेरी क्या होता है, इस तरीके से पूछा हो रहा है कि ओपोस्पेरी और डिप्लोस्पेरी में क्या डिफरेंस बताओ। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। ओपो स्पेरी और डिप्लो स्पेरी, डिप्लो स्पेरी, जो ओपो स्पेरी है, ओपो स्पेरी का निर्माण का भ्रूण कोष की परिपुष्टक कोशिकाओं से होता है। क्या ओपो स्पेरी का निर्माण भ्रूण कोष की परिपुष्टक कोशिकाओं से होता है, और जबकि डिप्लोस्पेरी क्या होता है, जब दुगुणित कोशिकाओं का निर्माण, क्या जब दुगुणित कोशिकाओं का निर्माण न्यूक्लियस या अन्य कोशिकाओं से होता है तो क्या कहते हैं, डिप्लोस्पेरी। अब फिर से इसको लिखेंगे डिफिनेशन को, इसका निर्माण, ओपोस्पेरी का निर्माण क्या था, भ्रूण निर्माण भ्रूण कोष की परिपुष्टक कोशिकाओं द्वारा होता है, कोशिकाओं द्वारा होता है। क्या बता, ओपोस्पेरी का निर्माण भ्रूण कोष की परिपुष्टक कोशिकाओं से होता है, जबकि डिप्लोस्पेरी का निर्माण दुगुणित भ्रूण कोष की का निर्माण न्यूक्लियस और अन्य कोशिकाओं से होता है। क्या होता है, दुगुणित भ्रूण कोष का निर्माण निर्माण न्यूक्लियस न्यूक्लियस और अन्य कोशिकाओं के द्वारा होता है, अन्य कोशिकाओं द्वारा होता है, कोशिका द्वारा होता है। अभी तक आप लोगों का जो तीसरा अंतर है कि ओपोस्पेरी डिप्लोस्पेरी का, इसमें भ्रूण कोष का निर्माण क्या परिपुष्टक कोशिकाओं द्वारा होता है, ओपोस्पेरी डिप्लोस्पेरी में क्या होता है, दुगुणित भ्रूण कोष का निर्माण न्यूक्लियस और अन्य कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब चौथा अंतर बताएंगे, तीन अंतर हो गया कि ओपोस्पेरी और डिप्लोस्पेरी क्या होता है, स्वतः उत्परिवर्तन प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होता है, बुल्क मेथड और पेडिग्री मेथड क्या होता है, इसमें डिफरेंस बताओ, और चौथा अंतर बताएंगे कि क्या होता है। अगर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट और नॉन रिक्वायरमेंट अंतर इस तरीके से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और नॉन रिक्वायरमेंट में डिफरेंस बताइए, तो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट और नॉन क्वेश्चन इस तरीके से बुझा कि रिक्वायरमेंट और नॉन रिक्वायरमेंट में अंतर क्या होता है। रिक्वायरमेंट जो होते हैं रोगग्राही जिनका प्रयोग बार बार, क्या रोगग्राही जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट पर।
रोगग्राही जिनका प्रयोग बार बार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट प्रयोग कहते हैं। रोगग्राही जिनका प्रयोग एक बार किया जाता है उसे कहते हैं नॉन रिक्वायरमेंट पेरेंट कहते हैं। रिक्वायरमेंट पेरेंट क्या होता है, इसे आदाता जनक कहते हैं, और नॉन रिक्वायरमेंट पेरेंट को दाता जनक कहते हैं। अब लिखेंगे अंतर को, रोग ग्राही पौधे पौधे जिनका प्रयोग बार बार होता है उसे रिक्वायरेंट पेरेंट कहते हैं। और जिनका रोगग्राही पौधे जिनका प्रयोग एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन रिक्वायरमेंट पेरेंट कहते हैं। क्या बताया, रिक्वायरमेंट पेरेंट या रोगग्राही पौधे जिनका प्रयोग बार बार होता है उसे क्या रिक्वायरमेंट पेरेंट कहते हैं, रोगग्राही पौधे जिनका प्रयोग एक बार होता है उसे कहते हैं नॉन रिक्वायरमेंट पेरेंट कहते हैं। रिक्वायरमेंट पेरेंट को क्या कहते हैं, आदाता जनक कहते हैं। नंबर टू क्या कहते हैं, इसे आदाता जनक कहते हैं, आदाता जनक कहते हैं, इसे दाता जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, दाता जनक कहते हैं, जनक कहते हैं। तो आप लोगों को चार डिफरेंस करवाया है कि रिक्वायरमेंट और नॉन रिक्वायरमेंट क्या होता है। रोगग्राही पौधे जिनका प्रयोग बार बार होता है उन्हें क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट पेरेंट कहते हैं। रोगग्राही पौधे जिनका प्रयोग एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन रिक्वायरमेंट पेरेंट कहते हैं। रिक्वायरमेंट पेरेंट को क्या कहते हैं, आदाता जनक कहते हैं। नॉन रिक्वायरमेंट पेरेंट को कहते हैं दाता जनक कहते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या फिजिकल म्यूटेशंस और केमिकल म्यूटेशंस में क्या डिफरेंस बताए। फिजिकल म्यूटेशंस और केमिकल म्यूटेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम दो वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में 5 डिफरेंस करवाएंगे, अगली वीडियो में भी 5 से 6 डिफरेंस बताए। इन दोनों वीडियो में आप लोगों के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस हैं उस पर हम चर्चा कर देंगे। और इन दोनों वीडियो से आशा करते हैं कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंस आते हैं वो फंस जाएंगे। तो पहले का फिजिकल म्यूटेशंस, फिजिकल म्यूटाजेंस म्यूटाजेंस फिजिकल म्यूटाजेंस केमिकल म्यूटाजेंस केमिकल म्यूटाजेंस जन ठीक। जो इसमें क्या था, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि फिजिकल म्यूटाजेंस और केमिकल म्यूटाजेंस में क्या डिफरेंस बताए। तो फिजिकल म्यूटाजेंस में हम डिफरेंस क्या लगा, पहला क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा किरणे बीटा किरणे तो एक्सरे किरणे होता है, एक्सरे किरणे वाई वी किरणें ठीक। और जो क्या जो होता है केमिकल जो म्यूटाजेंस होता है उसमें क्या क्या मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड होता है क्या नंबर वन। क्या क्या बताया, फिजिकल म्यूटाजेंस में क्या एक्सरे किरणें बीटा किरणें एक्सरे किरणें यूवी रेकर्स होता है। जो केमिकल म्यूटाजेंस सल्फर मास्टर्ड, क्या सल्फर मास्टर्ड नंबर टू, सल्फर मास्टर्ड नाइट्रोजन मास्टर्ड नंबर थ्री क्या होता है, मिथाइल मेथेन सल्फोनेट, मिथाइल मेथेन सल्फोनेट। आप लोगों को 2 नंबर में क्वेश्चन किस प्रकार से कि फिजिकल म्यूटाजेंस और केमिकल म्यूटाजेंस क्या है, एक्सरे अल्फा किरणें बीटा किरणें एक्सरे किरणें यूवी किरणें। केमिकल म्यूटाजेंस में क्या, सल्फर मास्टर्ड नाइट्रोजन मास्टर्ड मिथाइल मेथेन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों।